So guys, 25 दिसंबर और 24 दिसंबर को किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे वो गाइज मैंने यहाँ पर लिख रखा है एंड गाइज 24 दिसंबर को जो है मेरा भी पेपर था तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि, कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे कुछ क्वेश्चन गाइज मुझे याद नहीं है बट मैं जरूर हिंट आपको दे सकता हूँ कि, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है सो so गाइज यहाँ पर जो है ना मैंने मिक्स क्वेश्चन कर रखे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है याद नहीं है एक साथ हर सेक्शन के तो सबसे पहले गाइज एक क्वेश्चन आता है मतलब कि इधर कहाँ बनता है तो उसमें जो है ना गुजरात महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कन्नौज को ऑप्शन था तो मुझे याद था कि कानपुर या कन्नौज में इतर बनता है तो इसमें से जो है मैंने कन्नौज पर जो है टिक लगाया था तो इसमें कानपुर का ऑप्शन नहीं था बट मुझे याद था कि कौन कानपुर या कन्नौज में बनता है तो जो ऑप्शन था वो उत्तर प्रदेश में कन्नौज ही था तो मैंने इसको जो है लगाया तो इसमें जो है ये सही था उसके बाद गया मैथ के एक क्वेश्चन था कि मतलब कि पेट्रोल और डीजल के दाम में मतलब कि बढ़ोतरी होती है जैसे कि 2019 या 20 में जो है नाइन्टी रुपीज़ की थी और 2021 में बढ़कर सौ या एक सौ हो गई तो इसमें कितने परसेंट का जो है वृद्धि होता है तो इनका भी ऑप्शन था 9 या 10 परसेंट करके तो उसमें जो है कर दिया था उसके बाद संज्ञानात्मक विकास पर था कि मतलब लिप गोष्ठी और जो प्याजे हैं उनके उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास पर जो उन्होंने अपने विचार और थाट दिए हैं तो उनमें क्या अंतर है तो दोनों में जो है अंतर था लिप बाय गोष्ठी जो था वो समाज से मतलब रिलेट करता है कि एक बच्चे का जो विकास है मतलब उनके जो थॉट का जो निर्माण होता है वो समाज से प्रभावित होता है तो इसमें भी सही था हो गया था और ई में गए एक जो है ना ई में मतलब औसत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था मतलब कि मैथ से ही था क्वेश्चन तो, जो था वो बिल्कुल मैथ का ही था कि मतलब एक स्थान की दूरी जो है वो लगभग अट्ठाईस या तीस सौ किलोमीटर दूरी दूर है और इतने मिनट में पहुंचता है तो औसत चाल मतलब कि ज्ञात कीजिए वो था उसके बाद एक क्वेश्चन था गायज ये इसमें है ठीक है इसमें कौन सा चाल बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य तो सबसे पहले गायज मैंने ट्रिक लगाया कि उसमें ऑप्शन था आंध्र प्रदेश भी था मध्य प्रदेश भी था और उसके बाद पश्चिम बंगाल था केरल था तमिलनाडु था तो इसमें गायज देखिए मध्य प्रदेश तो मध्य में आ जाता है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरता है तो ये तो समुद्र से लगती नहीं है तो बंगाल की खाड़ी की तरफ पश्चिम बंगाल आ जाता है तमिलनाडु भी आ जाता है मुझे लग रहा था कि तमिलनाडु जो है वो अरब सागर के पास में है बट इस साइड में ठीक है बंगाल की खाड़ी की तरफ तो आपका वो आ जाता है उसके बाद उड़ीसा भी था तो इनमें से जो है ना पश्चिम बंगाल का ऑप्शन था मतलब कि उसमें राज्य तो वो सही था उसके बाद कर्क रेखा पर भी आया था तो इसका जो है गमछा झाड़ ऐसे कुछ ट्रिक है उसको भी आप याद कर सकते हैं विटामिन सी उसके बाद झूम खेती से आया था कि झूम खेती कहाँ पर होता है और एक असम का आया था कि कहाँ पर जो है ना घर जो है मतलब कि बांस से बनाया जाता, जाता है और ढुलाव बनाया जाता है जहाँ पर पानी जो है ठहर ना सके ऐसे क्वेश्चन थे सो so गाइज हिंदी का अगर हम बात करें तो हिंदी के सारे जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ईजी थे क्योंकि हिंदी में जो था पैसेज था और कुछ ऐसे संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड था हिंदी का टफ नहीं था और मैथ का अगर हम बात करें गाइज तो मैथ का भी ज़्यादा टफ नहीं था करने को पर देखिए मैथ में कैसे क्वेश्चन आए थे मैं आपको बताता हूँ मैथ में गाइज क्यूब से रिलेटेड आया था जैसे कि एक क्यूब है उसकी जो मतलब कि जो उसकी जो मतलब ये लंबाई जो है ना इन क्यूब में तो आपको पता ही एक सेंटीमीटर है तो ऐसे एक घनाब में मतलब कि दो सेंटीमीटर लंबाई घनाब है और उसकी ऊंचाई और जो चौड़ाई है वो एक एक सेंटीमीटर है तो कितने घना क्यूब जो है इसमें रखे जा सकते हैं तो इसको जो था डिवाइड करना था ठीक है इसका आयतन निकाल के उसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन था कि मतलब कि तीन लगातार कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए तो वो किस कटेगा दो तीन चार और सात करके कुछ ऑप्शन था तो गैज़ यहाँ पर जो है ना इसका ऑप्शन होगा बहुत सारे स्टूडेंट ने दो लगाए बट है तीन क्योंकि गैज देखिए एक दो दो तीन हो गया तीन और तीन छः हो गया तो ये तो दो से और तीन से भी डिवाइड हो जाएगा बट तीन के बाद जो डिजिट आता है चार पाँच और छः पाँच चार नौ नौ छः पंद्रह तो पंद्रह किससे कटेगा दो से तो डिवाइड होगा नहीं ये तीन से जा रहा है और छः भी तीन से जा रहा है तो लगभग तीन ही इसका आंसर सही था और गैज एक और क्वेश्चन था मैथ का वो क्वेश्चन था कि जैसे कि कोई डिजिट दे रखा है जैसे कि छः सात आठ ऐसे मान लीजिए और एक ठीक है उसके बाद नौ जीरो फाइव बाई ऐसे करके कोई डिजिट दे रखा था और इसमें दे रखा था ना कि मतलब कि पहला जो है ग्यारह से पूरी तरह से विभाजित है मतलब कि पूर्ण रूप से और ये जो है सेकेंड जो है वो नौ से पूर्ण रूप से विभाजित है मतलब कि डिवाइड हो जाता है तो इसमें क्या था कि मतलब एक्स के स्थान पे हम क्या संख्या रखें जो ग्यारह से पूरी तरह डिवाइड हो डिवाइड हो जाए ठीक है तो इसमें हमने रखा था पाँच तो पूरी तरह डिवाइड हो गया था ठीक है इतना याद नहीं है मुझे पाँच और इसमें गाय एक रखा था क्योंकि एट आ रहा था और एक यहाँ पर अगर एक रखते तो नौ से ये पूरी डिवाइड हो जाए नौ नीम इक्यासी तो एक आ रहा था और इसमें एक आ रहा था ठीक है तो एक्स का मान फाइव आ रहा था और वाई का मान एक्स आ रहा था एक्स का मान फाइव आ रहा था सॉरी और वाई का मान जो है वो एक आ रहा था तो क्वेश्चन जो था ना वो हमें फाइंड करना था कि एक्स प्लस में वाई और x माइनस में y का आंसर ज्ञात कीजिए तो देखिए इसको कैसे करना था तो इसमें गैज x का मान तो हमें पाँच पता चल गया और y का मान जो है हमें एक पता चल गया और यहाँ पर जो है ऑप्शन था दो बटे तीन करके तीन बटे चार करके ऐसे था और तो यहाँ पर एक्स मान फाइव है और वाई माइनस में था यहाँ पर एक तो यहाँ पर छः बटे में चार हो गया तो इससे काट दिया तो दो तीन छः दो नी चार तो तीन बटे में दो भी ऑप्शन था तो तीन बटे दो जो है इसका सही हो गया था और बाकी क्वेश्चन गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं झूम खेती असम में ऐसे कुछ करके था उसके बाद जो था ना इसमें विश्व का सबसे बड़ा मनुस्थल कौन सा ऐसा सहारा करके था और मछली जो है मतलब कि तो सरसों के तेल में कहाँ खाया जाता है तो वो था कश्मीर में और क्वेश्चन था गाइज एक क्वेश्चन था गाइज कि जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं उनको क्या कहा जाता है मतलब कि जो भारत में एक संशोधन हुआ था कानून बना था तो उसमें इनको क्या नाम दिया गया था तो इस टाइप के क्वेश्चन थे एक तो मैथ और मैथ हिंदी ये के क्वेश्चन गायज ईजी थे करने के ऊपर था अगर आप करेंगे मतलब कि सिंपली अगर छठी सातवीं आठवीं के मैथ आपने पढ़े हैं तो वो हो जाएगा बट सी के क्वेश्चन गायज थोड़े टफ थे ठीक है सी डी पी का और उसमें जो आ जाता है गैज वो था ई वी एस ई बी एस में भी थोड़ा जो है करेंट अफेयर टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे मतलब कि आपका प्रीवियस ईयर में से जो है ना काफ़ी कम देखने को मिला था तो ठीक है और भी है यह गाइज तो मैं याद करके जो है सिंपली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा क्वेश्चन ठीक है चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं